बच्चों, क्या हाल चाल? बहुत बुरे सर जी, इतने दिन से कहां थे? तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस वेरी लॉन्ग गैप, एंड दिल से सॉरी, आगे ऐसा गैप नहीं होगा। आज हम फिजिक्स में एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। क्या बात है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। आसान सा टॉपिक है, इसके अंदर थ्योरिटिकल चीजें मिलनी है, बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल नहीं मिलने हैं, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट है, ये मत कहना इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है। इसको कई लोग स्किप कर देते हैं, स्किप नहीं करना है। 3-4 वीडियोस करेंगे इस चैप्टर के और चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कॉपी पेन निकाल लो, सारी थ्योरी समझते चलो, शुरू करें। चूहा खाना बंद करो भाई। सो मेरा नाम अलख पांडे, हमारा आपका खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स वाला। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये बहुत ही प्यारा सा चैप्टर, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो आज हम आपको बताएं इसमें आपको क्या क्या पढ़ना होगा। तो पहले तो इंट्रोडक्शन होगा कि मैग्नेटिज्म वर्ड कहां से आया, पहली बार मैग्नेट ग्रीक में कैसे मिला, ग्रीस में, फिर उसके बाद चाइना ने कैसे यूज किया उसको नेविगेशन पर्पस के लिए। तो ये सब बातें हम नहीं करेंगे, ठीक है, कहानी वाली ये आप पढ़ेंगे, ठीक है। हम टॉपिक बताएं इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है। इसके अंदर आपको पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। हाँ, इसके ऊपर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में, पर आज इसको डिटेल में समझेंगे। फिर हमें पढ़ना होगा बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट तो 9th क्लास से देखते आ रहे होंगे, है ना, वही नॉर्थ साउथ वाला जिसमें दो पोल्स होते हैं, तो इसीलिए इसको हम मैग्नेटिक डाइपोल भी बोलते हैं, है ना। अब जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था वैसे ही मैग्नेटिक डाइपोल पढ़ेंगे। मैग्नेटिक डाइपोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड on the axis of dipole on the equatorial position any general point when a magnetic dipole is placed in a uniform magnetic field to uske upar torque lagega uski kya potential energy hogi wagera wagera to aisi cheeze aapne electric dipole mein padhi thi yaad aaya sab kuch yaad aaya to ek kaam karenge isko hum compare kar lenge electric dipole se yani hum dekhenge analogy with इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। उसमें कुछ गलत बात भी होगी वो हम समझा देंगे, बट रिजल्ट्स जो मिलेंगे वो बड़े ही मिलते जुलते मिलेंगे, तो उसका हम फायदा उठाएंगे। इस ये चीजें तो आज हम पढ़ लेंगे, इतना तो आज हम कर लेंगे। इसके बाद क्या पढ़ना है, इसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अर्थ मैग्नेटिज्म कि भैया हमारी पृथ्वी के अंदर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। अब अंदर मैग्नेट है कि नहीं पता नहीं, देखेंगे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म इन मैटर, ठीक है, नाम है ना मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो मैटर की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है ना, जैसे आपने देखा होगा डिफरेंट डिफरेंट तरह के मैटर होते हैं, केमिस्ट्री में सुना होगा फेरोमैग्नेटिक, हाँ हाँ, और बोलो पैरामैग्नेटिक और बोलो एक और सुना होगा डायामैग्नेटिक। तो इनके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि क्या होते हैं फेरोमैग्नेटिक, कब कोई मटेरियल फेरोमैग्नेटिक कहलाता है, कब पैरामैग्नेटिक कहलाता है, कब डायमैग्नेटिक कहलाता है, कैसे बर्थ हुई इस तरह के फिनोमेनास की, इस तरह के नामकरण की। और इसी के साथ हमको पढ़ना होगा एक हिस्टेरिसिस कर्व। तो इतनी चीजें करनी है आपको इस चैप्टर में बेसिकली। एक छोटा सा पार्ट और है कि गॉस लॉ एंड मैग्नेटिज्म, तो कोशिश करेंगे उसको भी इंक्लूड कर लें किसी लेक्चर में। तो आज तो हम बड़ी सिंपल सिर्फ ये बातें करने वाले हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हैं और बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालें, उस पर लगने वाला टॉर्क और उसकी पोटेंशियल एनर्जी इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन सब की चर्चा करेंगे विद इलेक्ट्रिक डाइपोल। बड़ा ही आसान है, कुर्सी पर ऐसे करके बैठ जाए आप, नहीं पेन लेके बैठे, शुरू करें, नोट कर लें। सो दीज ऑल टॉपिक्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। छाप लिया, मिटा रहे पॉज करके छाप लें, स्क्रीनशॉट ना लें, पॉज करके छाप लें, हो गया, मिटा रहे, ओके। सो पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। हेडिंग लगा लें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो प्यारे बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती थी, वो इमेजिनरी लाइंस
वो इमेजिनरी लाइन स्पेस में बनाई हुई कि अगर कोई हम पॉजिटिव चार्ज क्यू रखें तो वो उस लाइन के अलोंग ही चले। यही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेफिनेशन, है ना, एकदम एकदम सीधी सिंपल भाषा में। ऐसी इमेजिनरी फील्ड लाइन स्पेस में कि यदि कोई पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू हम स्पेस में रखें तो वो उसी फील्ड लाइन के डायरेक्शन में चले। ये था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब जो रोल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में प्लस क्यू चार्ज का था वही रोल यहां पे नॉर्थ पोल का होगा। जो रोल प्लस क्यू चार्ज का था वही रोल नॉर्थ पोल का होगा। जरा लिखते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं, समझते हैं पहले। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन इन रीजन ऑफ स्पेस, साथ में टाइम भी लिख दिया, आपको पता है स्पेस टाइम अलग अलग कंसेप्ट नहीं है। ड्रॉन इन रीजन ऑफ स्पेस टाइम अलोंग विच अ फ्री नॉर्थ पोल, अ फ्री नॉर्थ पोल वुड मूव इफ अलाउड टू। अभी और बातें करेंगे, इसमें कुछ गलतियां भी हैं। जैसे हमने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो इमेजिनरी लाइन थी स्पेस में कि अगर कोई प्लस क्यू चार्ज हम स्पेस में रखें तो वो उन्हीं लाइंस के अलोंग चलेगा। जैसे हमने यहां प्लस क्यू चार्ज रखा, वो सोचो ऐसे चला गया, तो हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे। हमने प्लस क्यू चार्ज अपने सर पे रखा, वो ऐसे बह गया, तो हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे। जिधर एक प्लस क्यू चार्ज स्पेस में बहना चालू कर दे, चलना चालू कर दे, वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन। उसी तरह से स्पेस में हमने एक फ्री नॉर्थ पोल रखा, इमेजिनरी है, मैग्नेटिक मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट, अकेला पोल मैग्नेट का होता नहीं, फिर भी एक इमेजिनरी कंसेप्ट कि अगर हम नॉर्थ पोल को यहां पे रखें, वो नॉर्थ पोल ऐसे भाग जाए तो ये बनेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन। हम नॉर्थ पोल को यहां पे रखें, वो ऐसे भाग जाए तो ये बनेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, है ना। इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन इन रीजन ऑफ स्पेस टाइम अलोंग विच अ फ्री नॉर्थ पोल वुड मूव इफ अलाउड टू, है ना, ऐसा नहीं पकड़ के बैठे हैं तो चल ही ना पा रहा है, इफ अलाउड टू, छोड़ दिया तो चला जाए। ये है हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बेसिक डेफिनेशन। इसमें गलती ये होती है कि मैग्नेटिक मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट, तो यहां पे आप एक तारा बना के, जैसे किताब में होता है तारा बना के आप भी लिख ले लोगे, मैग्नेटिक मोनोपोल डोंट एग्जिस्ट, मैग्नेटिक मोनोपोल डोंट एग्जिस्ट, इमेजिनरी कंसेप्ट। कैसे बनेगी फील्ड लाइन, तो यार आज ना बार मैग्नेट का बड़ा खेल होगा, क्योंकि आज बार मैग्नेट पे हमको देखनी पड़ेगी चीजें, तो हम एक बार मैग्नेट देखते हैं और फिर फील्ड लाइन बनाने की कोशिश करते हैं। तो बार मैग्नेट क्या होता है, बार के शेप में, यानी चॉकलेट के शेप में एक मैग्नेट, चॉकलेट सर क्या बात है। ये यहां मान लेते हैं नॉर्थ पोल, यहां मान लेते हैं साउथ पोल, तो आप किसका के बनाते हैं, यहां बना लेते हैं, यहां ये एक बार मैग्नेट, यहां नॉर्थ पोल, यहां। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमने पता कैसे की सर, फ्री नॉर्थ पोल तो मिलेगा नहीं, हाँ ना, बड़ा ही जनरल सी बात है सर, हम कैसे बनाए मैग्नेटिक फील्ड लाइन, नॉर्थ पोल रख के देखते इधर जाता तो ऐसे बनाते, पर फ्री नॉर्थ पोल है नहीं, तो हमने क्या किया, मैग्नेटिक कंपास का यूज किया, मैग्नेटिक नीडल का यूज किया, है ना, जैसे जैक स्पैरो के पास थी, जितने लोग समझ के बताइए। तो मैग्नेटिक कंपास लिया, उसका नॉर्थ पोल ऐसे डिफ्लेक्ट हुआ, यहां पर मैग्नेटिक कंपास रखा, उसका नॉर्थ पोल ऐसे चला गया, तो हम समझ गए कि अगर फ्री नॉर्थ होता तो वो भी ऐसे जाता, तो फील्ड लाइन ऐसे बना दी। यहां पे हमने फ्री नॉर्थ पोल नहीं, मैग्नेटिक कंपास यहां पे रखा, तो उसका नॉर्थ पोल ऐसे भागा, तो हमने समझा अगर फ्री नॉर्थ होता तो इधर भागता, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे, ठीक है। हम मैग्नेटिक कंपास रखते गए, उसका नॉर्थ पोल जिधर पॉइंट करता गया, फील्ड लाइन बनाते गए ऐसे। पता सबको है सर, नॉर्थ से निकलती है साउथ में जाती, बताया मैंने कंसेप्ट। अच्छा, एक खास बात है, बड़ी खास बात है बच्चों, बहुत ही प्यारी खास बात है, क्या कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का मिलन हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मिलन नहीं होता। मिलन मतलब ये अंदर भी होती है, ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे। ये मैग्नेट के अंदर भी पाई जाती है ना, मतलब कि ये
टर्मिनेट नहीं होती, ये क्लोज लूप बनाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसा नहीं करती। अगर आपको मैं याद दिलाऊं, मान लो यहाँ पे एक प्लस क्यू रख लू, यहाँ पे माइनस क्यू, नॉर्थ पोल को प्लस क्यू जैसे समझा करो। तो हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, प्लस क्यू से माइनस क्यू जाती है, प्लस क्यू से माइनस क्यू, 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 पर वापसी में वो माइनस क्यू से प्लस क्यू नहीं आती, पर यहां वापस आती है मैग्नेट के अंदर। तो बड़ी खास बात है। अभी पॉइंट्स कितने स्टार्ट करेंगे आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज्ड लूप्स, है ना, एक कंप्लीट सर्किट बनाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से प्लस से माइनस तक या वापस नहीं आया, पर ये वापस भी आती है फ्रॉम क्लोज्ड लूप्स। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में एक चीज गारंटी थी कि प्लस क्यू से ओरिजिनेट होगी, माइनस क्यू पे टर्मिनेट होगी। यहां कोई ओरिजिनेटिंग पॉइंट टर्मिनेटिंग पॉइंट है ही नहीं, गोले में क्या ओरिजिनेशन क्या टर्मिनेशन। तो हम यहां ये बोल देते हैं जो फील्ड लाइन है वो नॉर्थ से साउथ भी है और साउथ से नॉर्थ भी। नॉर्थ से साउथ है आउटसाइड मैग्नेट और साउथ से नॉर्थ है इनसाइड मैग्नेट। ठीक है, सो दिस इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये हमेशा प्लस क्यू से माइनस क्यू पे जाती है, ओरिजिनेटिंग पॉइंट भी होता है टर्मिनेटिंग पॉइंट। ये प्लस क्यू जैसा नॉर्थ पोल, नॉर्थ से साउथ जाती है, फिर साउथ से नॉर्थ अंदर अंदर चली जाती है। तो नॉर्थ से साउथ आउटसाइड, साउथ टू नॉर्थ इनसाइड। चलिए इसके पॉइंट्स लिखते जाते हैं। ऊपर वाला नोट कर ले तो मिटा लें, मिटा दें, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए और पॉइंट्स लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। अच्छा, दूसरा और बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेकंड पॉइंट यहां लिखें। सेकंड पॉइंट आपका ये है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ, ये लिखो बल्कि वर्ड साथ में, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट, ये लिखिएगा नेट मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के किसी भी जगह पर यदि आप एक टेंजेंट बनाते हो, जैसे मैंने पूछा यहां पे मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, तो आप कुछ नहीं करो, इस लाइन पे एक टेंजेंट बना लो। टेंजेंट बनाना सबको आता है, ऐसे ए खच। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट। आपको कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड का नेट डायरेक्शन चाहिए हो तो आप टेंजेंट बना लो। आपने कहा कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कहां है, हमने कहा टेंजेंट बना लो, ये रही नेट। The tangent at any point on magnetic field lines, इसमें include कर लो, on magnetic field lines, include कर लो, on magnetic field lines, gives the direction of net magnetic field at that point. अगला point देखो, third point. Closer the field lines, है ना, closer मतलब denser, जितना घना, है ना, जितनी चिपक चिपक के। Stronger is the magnetic field, है ना, B से denote करते हैं ना, stronger is the magnetic field. जितनी पास पास लाइन होगी उतनी ही strong magnetic field होगी। जैसे मान लो, सब आप पढ़ चुके हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स में सारे पॉइंट्स। मान लो ऐसा बना है, यहां मान लो कोई पॉइंट अपना X और यहां मान लो कोई पॉइंट अपना वाई। मैंने कहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, यहां पे, जहां पे लाइंस क्लोजर है। तो आप बोल दोगे मैग्नेटिक फील्ड एट एक्स इज ग्रेटर देन मैग्नेटिक फील्ड एट वाई। जहां पे फील्ड ज्यादा, लाइंस जहां का डेंसर है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। लिख लिया, और पॉइंट्स बताएं, नोट करें। इसको मैं डाल लें, दो डायग्राम को छाप लिया आपने, छाप लें लाइट की स्पीड से छापे। ओके, तो क्या क्या पढ़ा आपने, ये पढ़ा कि भैया क्लोज लूप बनाती है, मैग्नेट के बाहर होती है नॉर्थ से साउथ, अंदर होती है साउथ से नॉर्थ, याद रखना ये पॉइंट।
अंदर होती हैं साउथ से नॉर्थ। और क्या पढ़ाया कि कहीं पे भी अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए तो टेंजेंट बना दो, लाइन खींच दो सीधी, और जितनी क्लोज फील्ड लाइन होगी उतनी स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड होगी। और समझते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट सबने सुन रखा है, फेमस पॉइंट है, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो ये तो आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में दूसरे को काट नहीं सकती। जैसे मान लो एक फील्ड लाइन ये है, एक फील्ड लाइन ये, मान लो ये ऐसे जा रही है, लेट अस कॉल दिस वन। तो ये जो इंटरसेक्शन है ये हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? मान लेते हैं कि इंटरसेक्शन हुआ पी पॉइंट पे, मान लेते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट को फॉल्स प्रूफ कर देंगे, है ना, प्रूफ कर देंगे कि मानने पे गलत होगा। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, हमने कहा चलो इंटरसेक्ट करा लेते हैं पी पॉइंट। अब हमने कहा पी पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, आप कहोगे सर टेंजेंट बना लो। हमने कहा ठीक है, तो आप में से एक भाई था उसने कहा सर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये बन गया टेंजेंट, ये होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। आप में से दूसरा बच्चा आया उसने बोला नहीं सर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये बना टेंजेंट, ये होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो यही बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि इफ दे इंटरसेक्ट देन एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू टेंजेंट्स एंड हेंस टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच इज रॉन्ग। एक ही जगह पे मैग्नेटिक फील्ड का दो डायरेक्शन नहीं हो सकता, हर एक जगह पे एक ही डायरेक्शन होगा। अब यहां नॉर्थ पोल का रखोगे या मैग्नेटिक कंपास रखोगे उसका नॉर्थ किधर जाएगा, ऐसे 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 डांस थोड़ी ना करेगा, किसी एक तरफ जाएगा। इसलिए कंसेप्ट पूरी तरह से फॉल्स है। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज़ इफ दे डू सो देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू टेंजेंट्स, एक इसके हिसाब से एट दो टेंजेंट हो गए तो दो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो गया, जो कि कंसेप्ट ही गलत है, व्हिच इज रॉन्ग। तो ये सारे पॉइंट्स आपको नोट करने थे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में, नोट कर लें। एक और पॉइंट है बताते हैं, पोल स्ट्रेंथ से रिलेटेड छापे कर लेते हैं। आसान लग रहा है? बहुत ही आसान है ये चैप्टर, ऐसे ही थ्योरेटिकल आसान सा है, मिटाते हैं, समझते जाना, बस स्किप नहीं करना। चलो मिटाते हैं। पांचवा पॉइंट समझो, पांचवा पॉइंट है पोल स्ट्रेंथ से रिलेटेड। अब पहले पोल स्ट्रेंथ क्या होती है समझो, जिस तरह से आप चार्ज का मैग्नीट्यूड लेते हो ना, प्लस क्यू माइनस क्यू, उसी तरह से हमने क्या कहा कि बार मैग्नेट में नॉर्थ पोल के साउथ पोल, हमने कहा इस पोल की स्ट्रेंथ को हम डिनोट करेंगे एम से, वेयर एम इज पोल स्ट्रेंथ। ऐसे चार्ज का मैग्नीट्यूड नहीं होता है, तो ऐसे मैग्नेट के पोल का मैग्नीट्यूड, इसकी क्या ताकत है, इसकी क्या स्ट्रेंथ है, पोल स्ट्रेंथ। तो एक चीज बोली गई कि मोर, ऐसे लिखो, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोल स्ट्रेंथ। अब थोड़ा समझ में आ रहा होगा भैया, मान लो कोई बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक सब्सटेंस होता तो उसकी पोल स्ट्रेंथ ज्यादा होती तो उसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा निकलती, ठीक है। यहां मान लो कोई पैरामैग्नेटिक मटेरियल, मान लो यहां फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक बहुत स्ट्रॉन्ग, तो मान लो पैरामैग्नेटिक में से चार लाइन निकली तो फेरोमैग्नेटिक से मान लो 10 लाइन निकल गई, है ना। पैरामैग्नेटिक के मान लो नॉर्थ पोल से चार लाइन निकल गए तो फेरोमैग्नेटिक से 10 लाइन निकल गई। जितना ज्यादा पोल स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा फील्ड लाइंस उस पोल से या तो निकलेंगी बाहर को या तो जाएंगी अंदर को, नॉर्थ से बाहर निकलती है साउथ को अंदर जाती है और अंदर भी साउथ टू नॉर्थ हो जाता है। क्लियर? सभी पॉइंट समझ में आ गया आपको? पांचों पॉइंट मिटा दिया जाए, पांचों पॉइंट समझ में आ गया मिटा दें। एक और पॉइंट लिख लें,
चलो एक लास्ट पॉइंट और, पांच पॉइंट लिख लिए, एक और पॉइंट लिख लो, पॉइंट नंबर छह स्ट्रेट पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट, बोलो सबको याद आ गया, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, पढ़ा था ये भी हमने, बहुत एनालॉगी रहेगी आज हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक से, स्ट्रेट पैरेलल इक्विडिस्टेंट बराबर के डिस्टेंस पे अगर फील्ड लाइंस बनी है तो रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यहां एक पॉइंट एक्स ले लो, यहां वाई ले लो, यहां जेड ले लो, मैग्नेटिक फील्ड एट एक्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड एट वाई इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड एट जेड, स्ट्रेट पैरेलल इक्विडिस्टेंट फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। चलिए नोट कर लें इतना बेटा, ये जो हल्का हल्का सुरूर है ये तेरी नजर का कसूर है, ये जो हल्का, आगे नहीं गाऊंगा मैं, मिटा रहा हूं। ओके, सो टिल नाउ यू हैव सीन दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस अलोंग व्हिच अ फ्री नॉर्थ पोल वुड मूव, जिसके अलोंग एक फ्री नॉर्थ पोल मूव करेगा, या मैग्नेटिक कंपास का नॉर्थ पोल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन में ही पॉइंट करेगा। बनाने का तरीका यही, मैग्नेटिक कंपास रखते जाओ, जिधर उसका नॉर्थ पॉइंट करे उधर खींचते जाओ फील्ड लाइन, और आपने देखा कि मैग्नेट के बाहर वो होता है नॉर्थ से साउथ फील्ड लाइन, और मैग्नेट के अंदर होता है साउथ से नॉर्थ, कहीं पे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन चाहिए तो वहां पे आप टेंजेंट बना लो। फिर मैंने उसके बाद बताया कि जितनी ज्यादा पास होंगी फील्ड लाइन उतनी स्ट्रॉन्गर वहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगी। फिर मैंने बताया दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट की तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे देयर विल बी टू टेंजेंट एंड हेंस देयर विल बी टू डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज रॉन्ग, और देखो टू की स्पीड में। उसके बाद मैंने बताया कि पोल स्ट्रेंथ नाम की एक चीज होती है, जैसे चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है प्लस क्यू माइनस क्यू, वैसे पोल की स्ट्रेंथ हम प्लस एम लेते हैं, और साउथ पोल को भी हम प्लस एम ही लेते हैं माइनस एम नहीं लेते हैं, डायरेक्शन की बातें होती हैं अलग अलग। फिर हमने बताया कि जितना ज्यादा पोल स्ट्रेंथ होगा उतनी ज्यादा फील्ड लाइंस उस पोल में या तो जाएंगी या उस पोल से बाहर आएंगी। फिर हमने बताया स्ट्रेट पैरेलल इक्विडिस्टेंट फील्ड लाइन रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, सम डायग्राम्स, सम डायग्राम्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, आइए हम कुछ डायग्राम बनाते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के। तो बार मैग्नेट का तो आपको समझ में आ गया, बार मैग्नेट तो बना दिया है ना, करंट कैरिंग वायर की वजह से देखते हैं, सबको पता है करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनती है। चलिए अपने आप बताइए, ये करंट कैरिंग वायर है, बताइए मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनेगी, क्या करते हैं, अपने थंब को रखते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट और फिंगर्स को कर्ल करते हैं, राइट हैंड के थंब को भाई पढ़ाया था राइट हैंड कर्ल रूल, राइट हैंड के थंब को करंट के डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल किया, ये बनेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, बोलो सही ऐसे। मान लो वैसे बना दे, यहां पे करंट कैरिंग वायर है जो अंदर जा रहा है, कैरिंग करंट आई अंदर जा रहा है अंदर, अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, थंब को अंदर डाल दिया, अरे भाई राइट हैंड कर्ल रूल, राइट हैंड थंब रूल पढ़ाया कि नहीं, कर्ल रूल बोल लो थंब रूल बोल लो, थंब को किधर रखना है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिर राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करना है। तो अगर मैं पूछूं यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ किस तरफ होगी, कुचुक्कू, यहां बताओ कुचुक्कू, यहां कुचुक्कू, यहां कू, कंप्लीट करें तो ऐसे बनेगी। ये बनेगी मैग्नेटिक सर्कुलर पैटर्न की, कोई यहां पूछ रहे थर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है करंट कैरिंग लूप की वजह से, करंट कैरिंग कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल, ये मान लो करंट कैरिंग कॉइल है, सो
दिस इज अ करंट कैरिंग कॉइल, हमने कहा इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करो, क्या करते थे थंब को इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, थंब को इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे, अरे ऐसे करंट कैरिंग कॉइल ये, और ऐसे करंट आ रहा है ऊपर से देखने में एंटी क्लॉकवाइज, नीचे देखने में क्लॉकवाइज, ऊपर देखने में एंटी क्लॉकवाइज ये। तो यहां पर हम रखा करंट डायरेक्शन, ये फिंगर्स गई तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर ऐसे नीचे से ऊपर, इस जगह पे करंट ऐसे जा रहा होगा साइड में मैग्नेटिक लाइंस, मतलब कुछ बोलो सही बोलो करंट ऐसे, अरे बोलो भाई करंट ऐसे, तो कैसे बोले आवाज तो जान ली, करंट ऐसे देखो बाहर ये देखो करंट ऐसे अंदर जा रहा है, सर्व बना सकते हैं ठीक है, और यहां देखोगे तो ये हो गया करंट कैरिंग लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, बाकी सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैं बनवा चुका हूं, बस यूट्यूब पे सर्च करना है आपको सोलेनोइड मैग्नेटिज्म सॉलिड फिजिक्स वाला पे जाएगा यूट्यूब पे सर्च मारते, उसमें मैंने उसकी भी फील्ड लाइंस बनाई थी, तो ये फील्ड लाइंस बनाने का तरीका है क्लियर। अच्छा ये एक और बात सुनो करंट कैरिंग कॉइल की, कि करंट कैरिंग कॉइल भी एक मैग्नेट है भाई, मैग्नेट तो है, इसको बार मैग्नेट थोड़ा कंपेयर करते हो, लेट अस कंपेयर इट टू अ बार मैग्नेट भाई, बार मैग्नेट में बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां से कहां जाती है, नॉर्थ से साउथ, तो देखो बाहर ये ऐसे जा, अरे मैग्नेट तो ये है ना, ये करंट कैरिंग कॉइल, ये अपने आप में एक मैग्नेट है, ये जो तस्तरी दिख रही है, जो प्लेट दिख रही है, ये अपने आप में एक मैग्नेट है ना, ये मैग्नेट है। तो अगर इसको हम बार मैग्नेट से कंपेयर करते हैं, अगर ये मैग्नेट है तो बार मैग्नेट से कंपेयर किया, तो बार मैग्नेट में बाहर फील्ड लाइन कहां से कहां जाती है, नॉर्थ से साउथ, तो यहां देखो ऐसे, और अंदर साउथ से नॉर्थ, यानी ये साउथ ये नॉर्थ, यानी इस तरफ से ये कुछ साउथ पोल जैसा है, ऊपर से कुछ नॉर्थ, अगली तो करना पड़ेगा भाई, देखो ये मैग्नेट है तो इसके अंदर फील्ड लाइन कहां से कहां जाती है, साउथ से नॉर्थ, और बाहर देखो नॉर्थ से साउथ, बोलो समझ में आया क्लियर। तो एक करंट कैरिंग लूप ऑल्सो बिहेव एज अ करंट कैरिंग कॉइल, या करंट कैरिंग लूप ऑल्सो बिहेव एज अ बार मैग्नेट या मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल भी बोलते हैं, इसका हमने डाइपोल मोमेंट भी सीखा था, बताएंगे सब लोग, बोलो M is equals to IA, लगा है? इसका साउथ नॉर्थ पोल डिसाइड करना हो तो कोई दिक्कत नहीं, देख लो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर कहां होनी चाहिए, मैग्नेट के अंदर यही है ना, ये मैग्नेट के अंदर होगी, ये अंदर अंदर कहां से कहां होती है, साउथ से नॉर्थ, तो डेफिनेटली ये साउथ। इसको देखने का एक तरीका और बताया था हमने, कि जिधर से करंट देखने में क्लॉकवाइज दिखे, नीचे से देखो करंट कैसा दिख रहा है, ऊपर से देखो एंटी क्लॉकवाइज, नीचे से देखोगे तो जिधर से क्लॉकवाइज देखिए उधर साउथ, जिधर से एंटी क्लॉकवाइज उधर नॉर्थ, ये सब चीजें हमने आपको बताई थी, देखो ऐसे डायग्राम बना के दिखाया, जिधर से करंट क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज है उधर से साउथ, और जिधर से एंटी क्लॉकवाइज उधर से नॉर्थ, ये सब कहने की बात है, बना देते हैं किताब में दिखाने के लिए, याद ही रखना पड़ता है। देखो नीचे इसको ऊपर से देखो कैसा दिख रहा है, ऊपर से देखो एंटी क्लॉकवाइज, तो जिधर से करंट कैरिंग लूप एंटी क्लॉकवाइज उधर से नॉर्थ पोल, और नीचे देखो तो क्लॉकवाइज, जिधर से क्लॉकवाइज उधर साउथ, जिधर से एंटी क्लॉकवाइज उधर नॉर्थ, वो कहते हैं किताब में देखो देखो क्लॉकवाइज देखने में साउथ जैसा लग रहा है, मुझे तो कभी नहीं लगा, बकवास बात है, ये देखो जानबूझ के इसको ऐसा बना देते हैं, और जिधर से एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ऐसा ना, ये उधर से नॉर्थ पोल ऐसे बना देते हैं जानबूझ के, याद रखना पड़ेगा क्लॉकवाइज में साउथ और एंटी क्लॉकवाइज में नॉर्थ। तो ये रही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अच्छा आइए अब थोड़ी सी बात करते हैं मैग्नेटिक डाइपोल के ऊपर, इसको नोट करें फिर मैं मिटा रहा हूं, छाप लिया मिटा जाए, छाप लिया पॉज करके छापे, ओके। राजा को रानी से प्यार हो गया, तेरी नजर में दिल की
पर हो गया रजत रानी से प्यार हो गया टर्न पहली नजर में दिल के पास हो गया ना तुम राजा हो ना तुम्हारे पास कोई रानी है अभी तुमको मेहनत करके जिंदगी आगे बढ़ानी है ना इन सब चक्कर में ना पड़ो। हाँ तो कहाँ पे थे हम मैग्नेटिक डाइपोल के बारे में बात करने जा रहे हैं यानी बार मैग्नेट बात करने जा रहे हैं। कैमरा आपका सही दिखाई पड़ रहा है सब कुछ बढ़िया थोड़ा सा प्यार हुआ है आपसे। तो हम बात करने जा रहे हैं बार मैग्नेट की। लेट अस टॉक अबाउट बार मैग्नेट। बार मैग्नेट चॉकलेट बार जैसा दिखने वाला बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट को हम मैग्नेटिक डाइपोल भी बोल सकते हैं। मैग्नेटिक इसके बारे में हम स्टडी करेंगे ठीक है। पहले कुछ चीजें जान लो जैसे ये बार मैग्नेट है ये इसका साउथ पोल ये नॉर्थ पोल ठीक है। यहां पर इसका मिड पॉइंट हमने बोला ये डिस्टेंस एल ये डिस्टेंस एल टोटल लेंथ हो गई इसकी 2 है। हमने बोला इस पोल की स्ट्रेंथ यम इस पोल की स्ट्रेंथ भी यम ठीक है। एम स्टैंड्स फॉर पोल स्ट्रेंथ। और एक बात और याद रखना क्या कि अपना जो प्लस क्यू चार्ज है वो कुछ कुछ नॉर्थ पोल जैसा जो माइनस क्यू चार्ज है वो कुछ कुछ साउथ पोल जैसा। अब इसे कंपेयर करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल से और इसके बारे में सारी चीजें पढ़ते हैं ठीक ठीक है। आओ ठीक है तो अपनी कॉपी में एक तरफ लिखो इलेक्ट्रिक डायपोल और एक तरफ लिखो मैग्नेटिक डायपोल। अब मैं जितनी बातें करूंगा वो पूरी तरह से सही नहीं होगी बट जो रिजल्ट होंगे वो पूरी तरह से सही होंगे। एससी वर्मा भी इस तरह से समझाते हैं बट एनसीईआरटी हमसे बोलती है कि ये चीजें गलत है बट जो रिजल्ट आ रहे हैं वो 100% सही है। तो सारी अच्छी किताबें स्टैंडर्ड किताबें इसको यूज कर रही हैं कोई दिक्कत नहीं यूज करने में। चलो इलेक्ट्रिक डायपोल मैग्नेटिक डायपोल का कंपैरिजन और रिजल्ट देखो कैसे एनालॉगी एक जैसे। पहले बात कर लेते हैं कि मान लो यहाँ पे अगर कोई बात कर लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्यू। पहले पॉइंट चार्ज की बात तो अगर पॉइंट चार्ज क्यू है उसे आर डिस्टेंस पे कोई आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे कितनी होती है के क्यू बाई आर स्क्वायर जहां के क्या होता है सबको पता है 1/4π। इसके बारे में एक बात होती है कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उससे अवे होती है ऐसे और नेगेटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज होती है अवे फ्रॉम प्लस क्यू टुवर्ड्स माइनस। सबको पता इस तरह से मैग्नेट की बात करने जा रहे हैं तो मैग्नेट में हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड डीसी डिनोट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मोनोपोल। अब मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट इसीलिए एनसीईआरटी मना करती है इस कंसेप्ट को ऐसे पढ़ाना और सारी अच्छी किताबें पढ़ाती हैं हम लोग कोचिंग में ऐसी पढ़ाते हैं कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नेटिक मोनोपोल है ना समझ लो मजा आएगा। मान लो यहाँ पे कोई मैग्नेटिक मोनोपोल है नॉर्थ से या साउथ पोल है उससे आर डिस्टेंस पे हमसे पूछा कितनी मैग्नेटिक फील्ड है। भाई मैग्नेटिक पोल है तो मैग्नेटिक फील्ड तो बनाएगा तो आर डिस्टेंस पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड है तो उसको आप बोलोगे के एम बाई कितने फॉर्मूलेज आपने देखा मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सेम आ रहे थे बस यहाँ का कॉन्स्टेंट म्यू नॉट बाई 4 पाई यहाँ कॉन्स्टेंट 1/4π एप्सिलॉन बाकी कहानी सेम है। अगर नॉर्थ पोल हुआ तो अवे होगी फील्ड साउथ पोल हुआ तो टुवर्ड्स होगी फील्ड है ना अवे फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टुवर्ड्स साउथ पोल। मैंने बोला ना नॉर्थ पोल कैसा है पॉजिटिव चार्ज जैसा बढ़िया एनालॉगी मिल गई ठीक है अवे फ्रॉम प्लस क्यू एंड टुवर्ड्स माइनस क्यू यहां के 1/4π एप्सिलॉन और वहां के म्यू नॉट बाई 4 पाई एम क्या है पोल स्ट्रेंथ इसके बारे में पता कहीं बात नहीं होती ज्यादा पोल स्ट्रेंथ के बारे में पर इसका यूज करके हम मैग्नेटिक डाइपोल पे पहुंचने वाले हैं। जरा देखो दूसरी चीज अभी दिखा देते हैं मैग्नेटिक सॉरी
इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, याद आ रहा है? माइनस क्यू प्लस क्यू, माइनस क्यू प्लस क्यू एल। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता था? वेक्टर पी, वेक्टर पी से डिनोट करते हैं, पी इज इक्वल्स टू क्यू इंटू टू एल। कोई भी एक चार्ज उठा लो और डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। डायरेक्शन क्या होता था? फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू, वेक्टर क्वांटिटी होती थी। सिमिलर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, साउथ जहां माइनस क्यू से साउथ बना लिया, प्लस क्यू जगह, यहां पे क्यू की जगह क्या आ जाता है? पोल स्ट्रेंथ एम, पोल स्ट्रेंथ एम। लेंथ मान लो इसकी भी 2L, L और L सेंटर से। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का सिंबल होता है कैपिटल M, कैपिटल B, कैपिटल M। फॉर्मूला बताओ अपने आप, Q की जगह कौन आ गया? M इनटू 2L। डायरेक्शन अपने आप बता दो, यहां माइनस Q से प्लस Q, तो यहां फ्रॉम साउथ टू, ये एनालॉजी काम आती है। देखो मस्त एकदम, बस Q की जगह M आ गया, माइनस Q की जगह साउथ, प्लस Q की जगह नॉर्थ, यहां Q इंटू टू एल, वहां M इंटू टू एल, माइनस क्यू से प्लस क्यू साउथ टू नॉर्थ पोल। नोट करें, नोट करें, हो गया, आगे बढ़े, चलो नोट कर लिया, मिटा दें। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालने जा रहे हैं, माइनस क्यू प्लस क्यू एल एल। एक बार हम निकालेंगे यहां पे, आर डिस्टेंस दूरी पे, कहां पे? ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। एक बार हम निकालेंगे यहां पे, आर डिस्टेंस दूर पे, कहां पे? याद है, इक्विटोरियल पोजीशन में। एक बार हम निकालेंगे यहां पे, कहां पे? कोई जनरल पॉइंट पी, याद है ये वाला, आर डिस्टेंस पे फ्रॉम द सेंटर एट एंगल थीटा, ये भी किया था हमने, भूल गए? एट एनी जनरल पॉइंट पी एट डिस्टेंस आर एट एंगल थीटा फ्रॉम डाइपोल एक्सिस, ये डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन। याद है फॉर्मूले क्या क्या आए थे? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस, चलो रिवाइज करते हैं, 2 के पी बाय आर क्यूब। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्विटोरियल पोजीशन कम होती थी ना, के पी बाय आर क्यूब। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट पी, ये नहीं याद होगा, के पी बाय आर क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। करने का तरीका याद है, हमने क्या कहता है, डाइपोल को एक पी कॉस थीटा, एक पी साइन थीटा, पी कॉस थीटा के लिए ये पॉइंट किस पे था? एक्सिस पे, पी साइन थीटा के लिए इक्विटोरियल पे। ये नहीं याद आ रहा है आपको तो यूट्यूब पे आपको टाइप करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट फिजिक्स वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल फिजिक्स वाला, आपको ये तीनों चीजें वहां पे मिल जाएंगी, पूरा बढ़िया डेरिवेशन। अच्छा खास बात क्या थी कि जो एक्सिस की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो डाइपोल के अलोंग होती है। देखो डाइपोल का डायरेक्शन ये होगा माइनस से प्लस, तो एक्सिस की अलोंग पी वेक्टर जिधर डाइपोल मोमेंट जा, इक्विटोरियल की अपोजिट टू डाइपोल होती थी, डाइपोल मोमेंट इधर ये था तो अपोजिट टू, और इसका तो एंगल थीटा में निकालना पड़ता था, यहां पे एंगल फाई टैन फाई निकाल देते हम, ई परपेंडिकुलर अपॉन ई पाई। इस तरह से इस बात को हम यहां अप्लाई करें, इस पूरी एनालॉजी को हम यहां पे अगर देखें फिट करते हुए, अब देखो मजा आने वाला है। अब पोल स्ट्रेंथ की बात नहीं होती, पोल स्ट्रेंथ एक इमेजिनरी कांसेप्ट है, बट डाइपोल मोमेंट एक रियल कांसेप्ट है। और जरा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल, यहां पे एक मैग्नेटिक डाइपोल बना लेते हैं, साउथ नॉर्थ
होल स्ट्रेंथ एम, अब होल स्ट्रेंथ का मतलब देखिए यहां से r डिस्टेंस है, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ पेंडुलम, r डिस्टेंस ऑन परपेंडिकुलर बाईसेक्टर, इसको हम इक्विटोरियल पोजीशन बोलते हैं, परपेंडिकुलर बाईसेक्टर या इक्विटोरियल पोजीशन पे r डिस्टेंस पे, और r डिस्टेंस पे एट एनी जनरल पॉइंट p, मैग्नेटिक फील्ड एट एंगल थीटा फ्रॉम डाइपोल एक्सिस। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा? साउथ से। अब बस कंपेयर करो, b ऑन द एक्सिस कितना है, 2kp / r³, यहां क्या बन जाएगा 2km / r³। b ऑन इक्विटोरियल यहां क्या था, kp / r³, यहां क्या बन जाएगा km / r³। b एट एनी जनरल पॉइंट p, k m by r cube under root 1 plus 3 cos square theta, where theta is the angle that this line makes with the dipole axis. सारी बातें वही रहेंगी, यहां क्या होगा along m axis पे, इधर equatorial पे opposite to m, magnetic dipole moment के opposite, और यहां तो हमको tan phi निकालना पड़ता था, अगर आपको याद हो, आप बोलोगे m cos theta m sin theta, m cos theta की वजह से इधर जाएगी एक मैग्नेटिक फील्ड जिसको b पैरेलल बोलेंगे, m sin theta की वजह से इधर जाएगी जिसको b परपेंडिकुलर बोलेंगे, फिर आप यहां से एंगल फाई निकालोगे tan phi = b perpendicular upon k का डिफरेंस है, यहां के अपना कौन सा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला which is 1/4 pi epsilon naught, यहां का के अपना मैग्नेटिज्म वाला which is mu naught pi naught। तो इस एनालॉजी से ये सारी प्रॉब्लम बहुत ही इजीली सॉल्व हो गई, कोई डेरिवेशन आपको करने की जरूरत नहीं पड़ी, बस आपने एनालॉगी को पकड़ा, सवाल खत्म। बोलिए आगे। हाँ भाई आगे बढ़ा जाए, बहुत बढ़िया आगे बढ़े। नोट कर ले, 2kp / r³ की जगह 2km / r³, kp by r cube की जगह km by r cube, kp by r cube 1 plus c cos square theta जगह km by r cube 1 plus c cos square theta, p की जगह m आ गया, बस ये डिफरेंस है डायरेक्शन के, यहां माइनस q था वहां साउथ, यहां प्लस q वहां नॉर्थ, मिटा लिया ओके। और एनालॉजी देखते हैं, ये बहुत सारी बातें आपकी एक वीडियो में खत्म हो रही हैं सिर्फ इस एनालॉजी की वजह से। अगर सर एनालॉजी ना लें तो कैसे करेंगे, अगर एनालॉजी ना लें तो कैसे करेंगे, तो आप जैसे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे के क्यू बाई आर स्क्वायर, यहां आप मैग्नेटिक फील्ड निकालो के एम बाई आर स्क्वायर, साउथ की वजह से टुवर्ड्स नॉर्थ की वजह से अवे, फिर उनका रिजल्टेंट निकालो एक्सिस पे, समझ में आया, जैसे यहां करते थे के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर रिजल्टेंट निकालते थे, फिर यहां पे इक्विटोरियल पे देखते थे के क्यू बाई आर स्क्वायर इधर, के क्यू बाई आर स्क्वायर इधर, पॉजिटिव से इधर नेगेटिव से इधर, फिर इनका रिजल्टेंट सेम वहां पे करना है, साउथ के टुवर्ड्स लो मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ से अवे के स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर, सब सी जगह नहीं है। आगे बढ़ते हैं, जितने क्वेश्चन आएंगे आप सीधे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पे आएंगे, 2km / r³ एक्सिस पे, km / r³ इक्विटोरियल पे, जनरल पॉइंट km / r³ 1 + 3 cos θ, एक्सिस पे अलोंग द डाइपोल मोमेंट, इक्विटोरियल पे अपोजिट टू डाइपोल मोमेंट, और उस पॉइंट पे मैंने आपको बता दिया जनरल पॉइंट के लिए। नेक्स्ट नेक्स्ट है, व्हाट हैपेंस व्हेन यू प्लेस अ इलेक्ट्रिक डाइपोल, व्हेन यू प्लेस एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन uniform electric field, यहां पे एक uniform electric field बना लेते हैं, straight parallel equidistant line, इसमें आपने एक electric dipole रखा, यहां minus q, यहां plus q, ये electric field E uniform हर जगह EEE, ये angle theta, electric dipole moment E, तो आपको याद होगा इस electric dipole पे एक torque लगने लगता था, torque on an electric dipole placed in a uniform electric field, और टॉर्क की वैल्यू आती थी p क्रॉस e, मैग्नीट्यूड वाइज बोले तो p e sin थीटा, याद आ गया, याद आ गया, इस पे फोर्स लगेगी इधर q e, इस पे फोर्स लगेगी इधर, याद आ गया q e, ये डिस्टेंस l, l q e into l, q e into l टॉर्क लगेगा, q into l, q into l जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा q e into 2l, q into 2l बन जाएगा p और e, याद
यहाँ पे एल साइन थीटा लेना पड़ता था, डेरिवेशन नहीं करते। और आप यहाँ पढ़ते थे पोटेंशियल एनर्जी, अगर आपको याद हो, और पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला आता था, पोटेंशियल एनर्जी फॉर एंगल थीटा वॉज माइनस पी डॉट ई, ये सारे डेरिवेशन कर चुके हैं। यस आप बोल सकते हो यू एट एंगल थीटा मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो माइनस पी ई कॉस थीटा। कोई आपसे वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पूछे, एक आपसे कोई पूछ ले वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, तो आप क्या बोलते हो सीधा सीधा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह से हमने यहां पे इसको पढ़ लेते हैं सेम मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मान लेते हैं यहां एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, स्ट्रेट पैरेलल इक्विडिस्टेंट लाइन, यहां पे एक मैग्नेटिक डाइपोल है, यहां इसका साउथ पोल, यहां इसका नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इसका वेक्टर एम एंगल थीटा। यहां पे जो टॉर्क लगेगा, टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल बेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये टॉपिक भी आप पढ़ चुके हो, इज एम क्रॉस बी। ये मैंने आप करंट कैरिंग लूप के लिए पढ़ाया है, सर्च करना यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल इन मैग्नेटिक फील्ड, या टॉर्क ऑन अ करंट लूप इन मैग्नेटिक फील्ड फिजिक्स वाला, टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल इन मैग्नेटिक फील्ड फिजिक्स वाला, ये आपको मिल जाएगा फॉर्मूला भी। इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, एम बी साइन। इस तरह से यहां पे जब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, देखो एनालॉजी लेते चल रहे हो, कंपेयर तो कर रहे हो ना, पी की जगह क्या आ गया एम, ई की जगह भी इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डायपोल की जगह मैग्नेटिक डायपोल। पोटेंशियल एनर्जी की बात करो, यहां पी डॉट ई, पी की जगह कौन आ जाएगा एम, ई की जगह बी, तो पोटेंशियल एनर्जी एट एंगल थीटा माइनस एम डॉट बी। मैग्नीट्यूड वाइज बोले पोटेंशियल एनर्जी इट विल बी माइनस एम बी कॉस थीटा। आपसे पूछ ले व्हाट विल द वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल, है ना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट या बाय अस इन रोटेटिंग डाइपोल, तो आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल। एंगल थीटा ज्यादा ध्यान देना कहां से लेना, ऐसे बच्चे गलती कर देते हैं कि पहले आप ये डिसाइड कर लेना कि मैग्नेटिक डाइपोल का डायरेक्शन क्या है, साउथ से नॉर्थ, उसका मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल जो है वो एंगल थीटा। यही बच्चे गलती करते हैं इसलिए आंसर गलत आने लगता है। जैसे मान लो यहां करके दिखा देते हैं, मान लो ऐसा दिया एग्जाम में, ठीक है, और डायग्राम मान लो ऐसा बना के दिया है, यहां बोलता है आपका साउथ पोल, यहां बोलता है नॉर्थ पोल, ठीक है, और आपको उठा के ये एंगल दे दिया 30 डिग्री, और आपको उठा के रख दिया 30 डिग्री, तो गलत हो जाएगा। आपको मैग्नेटिक डाइपोल का एंगल मैग्नेटिक फील्ड के साथ रखना है, ये 30 डिग्री रख के आपको 150 डिग्री रखना है, क्लियर। एम के साथ बी का, तो यहीं पे हम खत्म करते हैं बार मैग्नेट और उससे रिलेटेड सारी बातें। हमने क्या पढ़ा कि बार मैग्नेट की एक्सिस पे, इक्विटोरियल पोजीशन पे, जनरल पॉइंट पे क्या मैग्नेटिक फील्ड होती है, फिर बार मैग्नेट जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आता है तो क्या होता है, सेम फिनोमेना जो इलेक्ट्रिक डायपोल का होता था इलेक्ट्रिक फील्ड में, मैग्नेटिक डायपोल का मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक डायपोल मतलब बार मैग्नेट। टॉर्क कोई पूछे तो यहां पी क्रॉस ई, एम क्रॉस बी, पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी डॉट ई माइनस एम डॉट। क्लियर है, तो यहीं पे इस लेक्चर करते हैं समाप्त। अगले लेक्चर में हम आपके लिए लेके आएंगे एक नया टॉपिक इसी चैप्टर का। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।